गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका NRP स्कूल के ऑनलाइन कक्षाओं में स्वागत है। आपका सिक्स क्लास का पहले फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, उसके तीन लेक्चर दिए थे, तीनों लास्ट फाइनल था। उसके बाद क्वेश्चन आंसर आपने कर लिए होंगे, नोटबुक मैंने आपको समझा दी थी किस कॉपी में करना है। इसके बाद आज आपका सेकेंड चैप्टर है, इसको चलेंगे। लेक्चर नंबर फर्स्ट है, अध्याय का नाम है आपका आखेट, खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक के बारे में पढ़ेंगे हम। तो देखिए, इसमें समझो पहले, सबसे पहले आखेट पाठ का नाम समझ में आ जाएगा तो हमें लेसन जल्दी से क्लियर हो जाता है। पहला आखेट हो गया, खाद्य हो गया, संग्रह हो गया और भोजन उत्पादन तक। सबसे पहले आखेट इसको समझें। प्रथम चैप्टर में भी आया था ये वाला शब्द। आपका आखेट का साधारण अर्थ होता है, अर्थ होता है शिकार करना। जो कि प्राचीन समय के लोग अपने भोजन प्राप्ति के लिए पशु पक्षी इत्यादि का शिकार किया करते थे। दूसरा शब्द है खाद्य। तो खाद्यान्न, जैसे वर्तमान में हम विभिन्न प्रकार के अनाजों को खाते हैं, उसी प्रकार से उन लोगों के लिए भोजन की कौन कौन सी सामग्रियां थी उनके बारे में भी इस पार्ट में पढ़ेंगे। तो खाद्य में लिख देता हूं भोजन की सामग्री। इसके पश्चात संग्रह। संग्रह का अर्थ होता है एकत्रित करना, इकट्ठा करना। संग्रह मीन्स एकत्रित करना, इकट्ठा करना और बचा के रखना। जैसा भी आपको उचित अर्थ आता है वैसा समझें। संग्रह का साधन एकत्रित करना भी होता है, इकट्ठा करना भी होता है और बचा के भी रखना होता है। इन तीनों शब्दों से एक ही अर्थ निकलता है, संग्रह करना। से भोजन उत्पादन तक, भोजन उत्पादन का अर्थ यहाँ पे आया, जैसे मैंने खाद्य के लिए बोला भोजन की सामग्री, इनको उत्पादन शिकार कर रहे हैं। मैंने कहा आपको खाद्य में हम वर्तमान में कुछ बहुत सारे अनाजों को खाते हैं, तो उन्होंने उन अनाजों को उपजाना प्रारंभ कर लिया था, तो वहाँ कहा गया है भोजन उत्पादन तक जो है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले इसके अंदर एक लड़का है तुषार, तुषार नाम का जो लड़का है अपने क्षेत्र से शहर की तरफ एक रेल में यात्रा करने के लिए जा रहा है, रिश्तेदार के घर शादी में। कहाँ जा रहा है तुषार नाम का लड़का है? दिल्ली से चेन्नई की तरफ जा रहा है वो, दिल्ली से चेन्नई, ठीक है। रेल में यात्रा कर रहा है, रेल में यात्रा करते समय उसने सीट जो उसको मिली है तुषार नाम के लड़के को, वो कॉर्नर वाली यानी कि खिड़की वाली सीट मिल गई। खिड़की से वो दूसरी ओर देखता है बाहर की तरफ, तो जो ग्रामीण परिवेश है बहुत जल्दी, जैसे थोड़े थोड़े आगे जाते जा रहा है तो उसका क्षेत्र परिवर्तित होता जा रहा है। पहले वो निकला, खेत खलिहान इत्यादि दिखाई दे रहे थे, कच्ची सड़कें थी, वो कच्ची सड़कें पक्की सड़कों में बदलती हुई दिखाई दे रही हैं थोड़ी दूरी पर जाने पर खिड़की से। उसको जो खेत खलिहान है वो आपको फील्ड में दिखाई दे रहे हैं, मैदान चेंज होते जा रहे हैं, और इसके अलावा जो खाली ज़मीन थी वो वहाँ पर भवन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उसको। और वो रेल से यात्रा कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। उसके चाचा जी उसके कंधे पे हाथ रखते हैं और वो पूछते हैं क्या हुआ। तब तुषार कहता है ये परिवर्तन मुझे देखने को मिलता है। तो उसके चाचा जी उसे बताते हैं कि रेल यात्रा लगभग 150 वर्ष पूर्व शुरू हुई थी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसके पहले ना तो कोई रेल थी, ना बस थी, ना ही कोई हवाई यात्रा कर सकते थे, तो ये तीनों ही उपलब्ध नहीं थी, ठीक है। अब आगे की बात चलते हैं, तीनों उपलब्ध नहीं थी तो हमने इतना विकास 150 सालों में यानी लगभग 150 वर्षों में ही किया है। अब देखिए ये कहानी होती है, इसके पश्चात हम देखते हैं आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे, इस टॉपिक को क्लियर करेंगे। आरंभिक
मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे घूमते थे। देखो एक क्वेश्चन हो गया एक तरीके से आपके लिए भी, जब हम किताब पढ़ते हैं किताब के अंदर क्वेश्चन है भाई आरंभिक मानव है पहले के लोग आखिर में वो इधर से उधर क्यों घूमते थे, क्या कारण था कि भैया एक स्थान से दूसरे स्थान पे घूम रहे हो, कोई तो कारण होगा, बेफिजूल तो घूमते नहीं है, क्यों घूम रहे थे। तो उसके बारे में ये बताया गया है कि भारतीय उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले से रह रहे हैं, यहाँ पे भारतीय उपमहाद्वीप में लोग 20 लाख साल पहले से निवास कर रहे हैं, आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। अब भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता था, आखेटक जैसा मैंने पहले बताया या संग्राहक के नाम से। आम तौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। ध्यान दें ये लोग आरंभिक मानव जो थे खाने की खोज में या खाना खाने की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। आज जो हमें भोजन आसानी से उपलब्ध हो जाता है उस प्रकार से इनको भोजन उपलब्ध नहीं हुआ करता था। तो ये भोजन की उपलब्धता को देखते हुए शिकार इत्यादि करने के लिए एक क्षेत्र से दूसरे स्थान पर जाते थे। अब खाने की खोज में क्या क्या हो सकता है, पहला शिकार करना, दूसरा है कंदमूल इत्यादि एकत्रित करना, ठीक है। तीसरा हम कह सकते हैं कि भैया किसी प्रकार से कोई आपदा आ गई, आपदा इत्यादि आने पर जैसे सूखा बाढ़, ठीक है, या सर्दी अधिक होने पे क्या करते थे ये लोग, अपने स्थानों को छोड़ के दूसरी जगहों पर जाया करते थे भोजन प्राप्ति के लिए। समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ मैं, आप भी समझिएगा इस चीज़ को। सबसे पहले देखिए ये बताया गया खाने की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे आरंभिक मानव, पहला शिकार करने के लिए, वो भोजन प्राप्त करने, वो मांसाहारी थे, शाकाहारी भी थे मांसाहारी भी थे, ज़्यादातर मांस का प्रयोग किया करते थे भोजन करने के लिए। तो वो शिकार करते थे पशु पक्षियों का, तो उनका पीछा करने के लिए वो इधर से उधर जाया करते थे। मान लीजिए ये कहा जाता है कि एक स्थान पे 100 हिरण हैं और 200 व्यक्ति निवास कर रहे हैं, तो 100 हिरणों को खाने होने कितना समय लगेगा, वो तो समाप्त हो गए, तो भोजन समाप्त होने की स्थिति में वो दूसरे स्थान पर जाते थे, ठीक है। तो ये हो गया शिकार करना है उनको, तो इस कारण से वो इधर से उधर जा रहे हैं, यहाँ शिकार खत्म हुआ दूसरे क्षेत्र में ढूंढेंगे कि शिकार हमें कहाँ उपलब्ध हो पाएगा, उन क्षेत्रों में जा रहे हैं। दूसरा है कंदमूल इत्यादि एकत्रित करने के लिए, कंदमूल इत्यादि एकत्रित करना उनका काम था। तो कंदमूल का अर्थ होता है कुछ इस प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं और उनकी पत्तियां होती हैं जिनसे वो भोजन उपलब्ध किया करते थे, और उन्हें भी एकत्रित करने के लिए उन्हें वनों घूमना पड़ता था, यानी एक जंगल से दूसरे जंगल में वो जाया करते थे और घूमते रहते थे। आपके थर्ड नंबर पर हैं आपदा आने पर, अब कुछ स्थितियां ऐसी होती थी उन लोगों के सामने आपदाएं आती थी वर्तमान के, जैसे उनके पास मकान नहीं थे, बारिश आने पर बचने के लिए उनके पास छतरियां नहीं थी, या सूखा होने पर उनको अपने वर्तमान में जिस प्रकार से हमें जल उपलब्ध होता है पाइपलाइन के द्वारा वैसे जल उपलब्ध नहीं होता था, सर्दी से बचाव के लिए हम जिस प्रकार से ऊनी वस्त्र या गर्म कपड़े या मोटे वस्त्र पहनते उनको उपलब्ध नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में वो लोग एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पर जाते थे। जैसे सूखा पड़ गया यानी पानी की कमी आई, किसकी कमी आ गई, पानी की, तो सूखा पड़ने पर पानी की कमी आई, और पानी की कमी आने पर पानी की कमी को दूर करने के लिए वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, पानी पिएंगे तो उन्हें जाना ही पड़ेगा। दूसरा
जैसे हम बोलते हैं कि बाढ़ आ गई भैया, अब बाढ़ आने पर क्या होगा, बाढ़ आई तो पानी अचानक से ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो वो लोग क्या करते थे, निचले इलाकों से ऊंचे इलाकों में जाते थे ताकि खुद को सुरक्षित रख सकें, अपने परिवार इत्यादि को सुरक्षित रख सकें और जिन पशु पक्षियों को वो पालते थे उन्हें भी बचाया जा सके। यानी निचले इलाकों में पानी बढ़ जाता था तो वो ऊंचे की ऊपर की ओर यानी पहाड़ी क्षेत्रों में मैदानी स्थानों को छोड़कर ऊपर की ओर चले जाते थे। सर्दी इत्यादि बढ़ने पर आपने सुना है कि पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर निवास करने वाले जो लोग होते हैं तो उन क्षेत्रों में क्या बढ़ जाती है, सर्दी बढ़ी, सर्दी बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगी, बर्फ़ इत्यादि जम जाती है। तो इन क्षेत्रों में जब बर्फ़ इत्यादि जम जाएगी तो ना तो वो किसी प्रकार से भोजन का उत्पादन कर सकते हैं और ना ही उन्हें शिकार मिलेगा, जल भी उपलब्ध नहीं है, जल है तो वो आपके बर्फ़ के रूप में तो उसका सीधा प्रयोग नहीं किया जा सकता है। तो इस कारण से वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और पहाड़ी क्षेत्रों से वो फिर वापस से नीचे उतर के आ जाते थे। तो ये हो गया सर्दी की स्थिति के बारे में आपने समझ लिया। अब इनको हम तीन टॉपिकों के आधार पर समझ रहे थे, शिकार के बारे में हो गया, दूसरा कंदमूल इत्यादि एकत्रित करना और तीसरा आपदा आने पर या आपदा की स्थिति उत्पन्न होने पर भी वो लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे ताकि उनको आसानी से भोजन उपलब्ध हो सके। अब देखें थोड़ा सा आगे, इसमें क्वेश्चन लिख लीजिए आप, आखेटक किसे कहा गया है। इसको वीडियो को पॉज करके आप इस क्वेश्चन का जो टॉपिक का आंसर है उसे भी नोटबुक में कीजिएगा अपने में। आखे टक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग खाद्य संग्राहक वर्ग के लोग अपने भोजन की उपलब्धता के लिए जंगली पशुओं का शिकार करते थे। इन लोगों को आखेटक कहा गया। वीडियो को पॉज करके रोककर आप इसे अपनी नोटबुक के अंदर लिखें। यह आपका आखेटक का हो गया, इस परिभाषा को वीडियो को पॉज करके आप लिखिए। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका, उसे देखते हैं। अगला टॉपिक है आपका आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। ये भी एक तरीके से क्वेश्चन हो गया आपसे, किताब क्वेश्चन ये कर रही है कि आरंभिक लोग जो होते थे, मानव थे, उनके बारे में हमें किस प्रकार से पता चला कि वो हमसे पहले के लोग थे, उन्हें जीवन जीना आता था, भोजन बनाना आता था, भोजन प्राप्त भी करना आता था। तो उसके बारे में हम जब देखते हैं तो हमने देखा बहुत से शिलालेखों में चित्रों के माध्यम से पता किया। तो जानकारी के लिए जैसा पिछले टॉपिक में था वैसे थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करना है हमारे को कि एक भैया हमारे को कहीं पे हमने खुदाई की, इतिहासकार जो है पुरातत्ववेत्ता उन्होंने खुदाई की, खुदाई से हमें जैसे एक शिलालेख प्राप्त हो गया, उस शिलालेख के प्राप्त होने के पश्चात हमने उसको पढ़ लिया, अगर हमें लैंग्वेज समझ में आई और नहीं आई तो प्राचीन समय का मानेंगे भैया बहुत पुराना है, हम इस चित्रात्मकता को नहीं पढ़ सकते, लेकिन उन्हें उस समय कुछ ना कुछ लिखना तो आता था। तो हम देखेंगे पहले नंबर पर शिलालेख, शिलालेख उस समय की
जानकारियां, लिखी होती थी, पत्थर के औजार, जैसे अभी आपने एक टॉपिक पढ़ा आखेटक के बारे में, आखेटक शिकार करने वाला, तो शिकार करने के लिए वर्तमान में जिस प्रकार से हमारे पास स्टील, लोहा इत्यादि के जो औजार थे उनके पास वैसे नहीं थे, प्रारंभिक मानव के पास पत्थर के थे, तो पत्थर के औजार जिसमें क्या होता था, फलक। फलक क्या होती है समझिए, हम जो तीर इत्यादि बनाते हैं, तीर इत्यादि देखा है आपने, तो तीर होता है तो उसके आगे का हिस्सा नुकीला होता है, उस नुकीले हिस्से को ही फलक कहा गया है। क्या कहा गया? फलक। तो इस फलक को वो पत्थर, नुकीले पत्थर को तराश कर इत्यादि को करके उसे लकड़ी में जोड़कर नोकदार हिस्से को बनाया करते थे, उसे फलक कहा गया, और वो किसी भी पशु पक्षी पर फेंक कर उससे वार करते थे और वो शिकार में काम में आता था। इसी प्रकार से कुठार होता है, ये भी आपके पत्थर से निर्मित होता था और इसका उपयोग भी भाले के रूप में ही किया जाता था, या किसी चीज़ को खुरचने के लिए या खोदने के लिए क्या करते थे। आगे आप देखते हैं तो जैसे हथियार बनाए करते थे, औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी, इन लकड़ियों को इत्यादि को काटने के लिए भी पत्थर इत्यादि के औजारों को तैयार किया करते थे और उनसे ये शिकार के साथ साथ लकड़ियां भी काटा करते थे, साथ साथ झोपड़ियों और औजार बनाने के लिए भी इनका उपयोग किया करते थे। पत्थर के औजार हो गए आपके, शिलालेख हो गए, अब मूर्तियों इत्यादि के बारे में हम देख लेते हैं। फोर्थ नंबर पे देखिए मूर्तियां, फिफ्थ पे देखिए चित्र, सिक्स पे देखिए आप सिक्के, हम थोड़े समय पहले पढ़ चुके हैं सिक्कों के बारे में। मूर्तियां देखिए, हमें खुदाई से कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई, हम कह सकते हैं या तो उन लोगों की होंगी या जिस प्रकार से आज वर्तमान में पूजा इत्यादि किया करते हैं मंदिर में, मस्जिद इत्यादि जहां पर भी, तो हमें वैसी ही आकृति की मूर्तियां प्राप्त हो रही है खुदाई से, तो हम ये मान सकते हैं या उनको बराबर करके देख सकते हैं कि इन मूर्ति जैसे हमारे वर्तमान देवी देवता थे वैसे ही इन लोगों के भी देवी देवता होंगे, देवालय होंगे और उनमें इनकी पूजा इत्यादि की जाती थी, तो उससे भी हमें उनकी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है चित्र, तो वे लोग अपने शिकार इत्यादि को करने के लिए शिलाओं पर, गुफाओं में, गुहागृह इत्यादि में चित्र बनाया करते थे। सिक्के, व्यापारिक क्रियाओं को करने के लिए सिक्के आदि इत्यादि को भी बनाया गया था, और व्यापार के लिए सिक्के धातु के होते थे, पत्थर के भी बनाए थे और लकड़ी के भी यूज़ में लिए जाते थे उस समय के अनुसार। धातु में प्रमुख थे तांबा, पीतल, सोना और चांदी को यूज़ में लिया जाता था। आज के आपके जो चैप्टर नंबर 2 है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, इसका लेक्चर फर्स्ट चल रहा है, इसके मैं कुछ आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ये अपनी कॉपी में नोट करने हैं और करने के पश्चात अपनी कॉपी में। तो होमवर्क के क्वेश्चनों में पहला क्वेश्चन नोट कीजिए आप, क्वेश्चन नंबर 1, आखेटक किसे कहते हैं, आपका सेकंड क्वेश्चन है प्राचीन काल के औजारों का उपयोग बताएं। आपको इन दोनों क्वेश्चनों को अपनी नोटबुक में लिखना है, इसका आंसर आपको मिल गया है, इसका आंसर आप थोड़ा सा सोचें और सोचने के पश्चात आपको अब वीडियो में मिल जाएगा, अपनी बुक में देखिएगा, प्राचीन काल के औजारों के बारे में बताया, उसी में आंसर है और आपको समझना पड़ेगा का उपयोग बताना है आपको, और इन क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में कीजिएगा। नोटबुक में करने के पश्चात आप ये भी ध्यान दें
कि मैं आपका कल एक छोटा सा मूल्यांकन कर लूँगा जो मैंने पढ़ाया है इसके अंदर और पिछले चैप्टर में, उसका कुछ क्वेश्चन दूंगा, उसका क्वेश्चन आपको स्वयं को करना होगा और एक डेढ़ मिनट का समय आपको दिया जाएगा और उसका आंसर मैं आपको बोर्ड पे ही नोट करवा दूंगा। पर देखते हैं आप कितना याद करते हो कितना नहीं करते हो। आप पढ़ाई के प्रति जागरूक रहें और पढ़ाई के प्रति जागरूक रहने के लिए आपको लगातार स्टडी करनी होगी, चाहे आप ऑनलाइन कीजिए ऑफलाइन कीजिए, लेकिन आपको स्टडी करनी है। आपके लिए ही ये कार्य किया जा रहा है, हम भी मेहनत कर रहे हैं, कुछ मेहनत हमारी है और बाकी की मेहनत आपको ही करनी होगी। धन्यवाद।